नमस्कार मैं हूं संजय शर्मा आप देख रहे हैं 4pm न्यूज नेटवर्क कभी कभी जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो कहा जाता है ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है मतलब यह है कि जब सितारे में गर्दिश में हो तो आप कितनी भी ताकत में हो आप कितने भी रसूख वाले हों लेकिन आपके सितारे पलटते हुए समय नहीं लगता और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसी गलती कर रही है जिससे उसके सितारे गर्दिश में जाते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान में जहां यह कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक गलती कांग्रेस के लिए तश्तरी में थाली में सत्ता सजा के दे रही है राजस्थान की राजनीति को का एबीसीडी भी जानने वाला बता सकता है कि वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आने का सपना भी नहीं देख सकती वसुंधरा राजे से मोदी जी की नाराजगी जग जाहिर है साहेब पसंद नहीं करते हैं वसुंधरा राजे को ये सब जानते हैं और साहेब पसंद नहीं करते तो भला अमित शाह वसुंधरा राजे को पसंद कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप पसंद करें या ना करें आपकी निजी जिंदगी में वसुंधरा राजे महत्व तो डाले या ना डाले लेकिन राजस्थान की राजनीति तो बिना वसुंधरा राजे को मैरेज किए चल नहीं सकती और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब सामने अशोक गहलोत जैसा शातिर राजनेता बैठा हो उस हालत में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब अशोक गहलोत ने एक के बाद एक लोक लुभावन आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं की शुरुआत कर दी हो और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं चल सकती जब वसुंधरा राजे नाराज होकर बैठ जाए या फिर दिल्ली वसुंधरा राजे के दिमाग ठीक करने के लिए उनके एक से एक बड़े नेता को ठिकाने लगाना शुरू कर दे राजस्थान की राजनीति में आज भूचाल आया हुआ है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के मुकाबले में वसुंधरा राजे के पैरल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री को खड़ा करने की सोच भी कैसे सकता है शेखावत जी के ऊपर खुद राजस्थान में सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप मामला हाई कोर्ट में लंबित है कहा वसुंधरा राजे का कद कहां वसुंधरा राजे की हैसियत कहा वसुंधरा राजे का लोकप्रियता का आलम और कहा गजेंद्र सिंह शेखावत फिर वही बात आती है कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो ऊट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है आज वसुंधरा राजे कैंप के एक बेहद कद्दावर दलित नेता को पार्टी से निकाल दिया गया स्पीकर रहे हैं पूरा राजस्थान एक दलित नेता का सम्मान करता है और जब देश भर के दलितों में संदेश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी बन गई है जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल पिछड़े दलित और मुसलमानों की एकजुटता की बात कर रहे हैं जब इटिया इंडिया गठबंधन खड़गे का चेहरा आगे लख रहा है जब कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत बातचीत में कहने लगे कि हम देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे जब पहली बार देश में दलितों के एकता का संचार हो रहा है और जब पहली बार दलितों में यह भावना जा रही है कि शायद इतिहास रच जाएगा और शायद पहली बार देश का प्रधानमंत्री दलित बन जाएगा ऐसे समय में भारत बनाम इंडिया की बहस चलती है ऐसे समय में दलितों के बीच में संदेश आता है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ छेड़खानी करने की साजिश रची जा रही है देश भर के दलितों में यह संदेश आता है कि एक के बाद एक निजी क्षेत्रों में आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है दलितों में संदेश आता है कि बड़े बड़े औद्योगिक चीजें बड़ी बड़े सरकारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं, जिससे दलितों का आरक्षण खत्म हो सके जब निजी क्षेत्र में सेक्टर चले जाएंगे तो दलितों को आरक्षण कौन देगा ऐसे समय में बड़े बड़े दलित लेखक विचारक पत्रकार बुद्धिजीवी यह हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी को हो क्या रहा है और जब लगता है कि पिछड़ों में दलितों में एक खतरनाक संदेश आ रहा है जब लगता है कि पिछड़े और दलित कहीं बगावत ना कर दें, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सामने आता है और यह स्वीकार करता है कि 200 सालों से वास्तव में दलितों पे पिछड़ों पे अत्याचार तो हुआ उनका शोषण तो हुआ मोहन भागवत के इस बयान पे बाद एक नई बहस शुरू होती है कि अगर संघ भी मान रहा है 200 सालों से पिछड़ों और दलितों का अत्याचार हुआ उनका शोषण हुआ तो क्या पिछले नौ सालों में दलितों को और पिछड़ों को आगे लाने की कोई सार्थक पहल हुई चुनाव में महीने आग गए हैं, तो विशेष सत्र बुला के शायद कोई बड़ा खेल करना चाहती है सरकार हो सकता है रोहड़ी कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दे पहले भी कर चुके हैं और मैं दावा कर रहा हूं इस कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ पेश ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला रुक जाएगा से सरकार कह सकेगी कि हमने पिछड़ों और दलितों का हक देने की कोशिश करी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो हम क्या करें लेकिन अब वो पिछड़े और अब वो दलित नहीं रहे जिनको आप इस तरह की बातों में गुमराह कर दे देश की राजनीति अब एक नए करवट की तरफ अपना रुख कर रही है पिछड़े और दलितों में अब एक नई संचार नई क्रांति की लहर चल रही पिछड़े और दलितों में एक नई चेतना का विकास हो रहा है पिछड़े और दलित यह मान रहे हैं कि हाँ वास्तव में उनके साथ अत्याचार हुआ है नहीं होना चाहिए ऐसे में यह बात सबको समझ लेना चाहिए कि 2024 का चुनाव पिछड़ा और दलितों का और अल्पसंख्यकों की एकजुटता का चुनाव है अगर यह गठबंधन बन गया अगर मंडल कमंडल पर भारी पड़ गया अगर राम मंदिर के इधर जाके पिछड़ों ने और दलितों ने पूछ लिया सवाल कि ढोर ये सब ताड़न के हैं अधिकारी इसमें शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति पर आप अपना रुख स्पष्ट करिए अगर सभाओं में ये बात पूछे जाने लगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछी जाने लगी कि रामचरित मानस के इस दोहे पे आपका क्या मत है आप स्पष्ट करिए तो मैं दावा कर सकता हूं कि गोदी मीडिया कितना भी सनातन धर्म पे नाटक करे लेकिन भाजपा को भारी पड़ जाएगा